स्वागत है हमारे चैनल पे इकॉम्स मिस्टर देव। आज हम है रेलवे स्टेशन पे, जयपुर के स्टेशन पे, और आज हम पूरे 40 लोग हैं। और अभी हम यहाँ पे रेल जयपुर स्टेशन पे, और अभी हमारी ट्रेन है 19031 योगा एक्सप्रेस, तो हम योगा एक्सप्रेस में जाएंगे। और अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, और हम पूरे मेंबर, ये हमारे टीचर मैम, ये भी हमारे साथ अपनी बार घूमने जा रहे हैं। और यहाँ पे और ये जो हेड लोग हैं, ये भी हमारे साथ जाएंगे। ये मोनिका दीदी है, ये मम्मी जी है, और ये अभी यहाँ पे सबको इनको लेके आ चुका हूँ मैं। ये हमारे मनोहर आंटी जी है, ये भी जाएंगे। बोलो, तो अभी ट्रेन का इंतजार है फिलहाल, सब हम यहाँ पे ट्रेन। तो अभी जो हमारी प्लानिंग है वो यहाँ से, पहले तो हम यहाँ से जाएंगे उत्तराखंड, और ट्रेन से उत्तराखंड में जाने के बाद में फिर वहाँ से। और ये खुद ही नहीं जा रहा, और ये खुद ही नहीं जा रहा, ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। और मैं खुद नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे एग्जाम है इसलिए। और फिर ये उत्तराखंड से फिर ये जाएंगे केदारनाथ, और ये मिलेंगे फिर आपको केदारनाथ में। और ब्लॉग आपका जब तक ये बनाएगा अनिल, मैं जब तक वहाँ पे नहीं आऊँगा जब तक अनिल ब्लॉग बनाएगा। ये माँ से बोल रहे कि मेरी फोटो नहीं ली, तो लो इनको भी ले लिया वीडियो, ठीक है। अच्छा, मम्मी मेरे को यहाँ पे छोड़ के जा रही है, तो इसलिए मम्मी बता रही है खाते सो रहे हैं। मेरे साथ में आए आंटी जी और मैं, हम दोनों आए, हम दोनों वापस जाएंगे। और अभी वो कैमरा मैन के लिए वो भी आए, मैं और ये चाची हम नहीं जा रहे, और बाकी सब इनकी फैमिली है, ये सब जा रहे हैं। ये हमारे मंजू आंटी, वो अनीता, हम सब रुको कॉलोनी आलम ताबत। हाँ बोलो, ये सब लोग हमारे साथ जाने के लिए हैं, बच्चे, मासी, मासू साहब, ये इनका सामान इतना सारा, और ये हमारा लगेज है, ये सब थक चुके हैं इसलिए यहाँ पे ये बैठ गए। और ये हमारा पूरा फैमिली है। हाँ बोलो, राम राम जी, राम राम जी, बोलो राम राम जी, राम राम जी। हम यहाँ जा रहे हैं, सभी को राम राम जी। तो हमारे को समझ आ गया है, ये दो तीन जना हमारे को पहुँचाने के लिए आए, ट्रेन नहीं बैठाने के लिए। इनको छोड़ने के लिए मैं और ये करिश्मा ये आए, हम तीन लोग आए। डबल जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रेन के इंतजार में 19031 हमारी ट्रेन आई थी योगा एक्सप्रेस, जो यहाँ से अहमदाबाद से लेके और वो जाएगी ऋषिकेश तक। और हम यहाँ से जयपुर से लेके तकरीब में उतर जाएंगे, तकरीब वाली स्टेशन पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे एग्जाम इसलिए हम बाहर से होने लगी। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ट्रेन का बहुत खतरनाक तूफान आ गया था, ये देख रहे टेनों की टेनों की आवाज़ आ रही है, देख रहे अभी अजीब अजीब लग रहा है। यहाँ पर Outside, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Hello guys, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे इकॉम्स मिस्टर देव। और जैसा कि मैं वहाँ पे रह चुका था, तो हमने दोबारा आ चुका हूँ इनके साथ में, और ये अभी ऋषिकेश में, और हम यहाँ पे आके मिले, हम यहाँ पे आने के बाद में मिले, और ये हमारे सारे यात्री हैं, हमारे गुरु जी के भक्त हैं, और आगे भी कुछ जने बैठे और पीछे भी कुछ जने बैठे हैं। और अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए,
और ये हमारे मनोहर आंटी जी, मनोहर आंटी जी पानी पी सकते हैं अब। और अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए, अब हम मिलेंगे आपको केदारनाथ पे आगे। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कौन कौन है हमारे साथ। आप देख सकते हो हमारे मनोहर आंटी, मम्मी, तमन्ना, चाचा, अनीता, विजेश मासी, आशा आंटी, और ये हमारे हरियाणा के पुत्र सोफी बालक, और मूर्ति आंटी, ज्ञान मासी, सुनील आंटी जी हमारे टीचर, ये हमारे प्रधान अंकल जी, सब हमारे यहाँ पे, कर्नल साहब, सुरेंद्र अंकल, और हमारे ये दो टीचर, हमारे विनोद अंकल और ड्राइवर अंकल और कंडक्टर अंकल, आप मेरे देख लो। और अभी हम यहाँ पे निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए, और अभी हम फिलहाल में ऋषिकेश के अंदर हैं। हम यहाँ केदारनाथ के लिए निकले हैं, तो ऋषिकेश से निकल चुके हैं और केदारनाथ के लिए हम यहाँ पे रुके, और हमारी अभी बस यहाँ पे रुकी हुई है, और अभी हम यहाँ केदारनाथ के लिए रुके, बीच में पता नहीं क्या कारण हो गया है, और यहाँ पे काफी ज्यादा बोर्ड। देख सकते हैं हम केदारनाथ के रास्ते पे, जो रास्ता काफी छोटा है, पुल भी काफी छोटा है, रोड भी काफी छोटी है, इसके कारण तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं केदारनाथ में, इस जगह का नाम है सोक प्रयाग, यहाँ से केदारनाथ 18 किलोमीटर दूर है। और अभी हमको जो स्टे करने के लिए जो रूम मिले वो एक कैंट मिले, हमने एक कैंट बुक किए सारे, और इन कैंट के अंदर आप अच्छी सुविधा है, इनके अंदर टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह इन सब की भी सुविधा है, और एक कैंट के अंदर 5 बेड है, तो 5 बेड के अंदर हम रहेंगे, और हम टोटल 30 लोग आदमी हैं, तो आधे तो वहाँ उस वाले घर में, उस वाले एक दूसरी होटल है उसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसमें होटल हो रहे हैं। ये अनीता चल चल, इनका रूम मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा अंदर से रूम दिखा दो, ये रूम दिया है, और ये छवि तमन्ना पीछे बाथरूम, चलो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यात्री हमारे यहाँ पे, ये मम्मी है, पूरी व्यवस्था वगैरह बिठा रहे हैं अभी मम्मी, और आगे लोग यहाँ पे, मेरे आधे कुछ देख सकते हो, इधर भी हमारे आधे लोग यहाँ पे, तो ये रूम दिया है, सबका रूम लगभग सेम टू सेम है, बट बाथरूम वगैरह वो सब पीछे दिए। यहाँ पे काफी ठंड है गाइस, आया मुझे बाथरूम वगैरह।